खबर महाराष्ट्र के भिवंडी से है, जहां बृजेश्वरी मंदिर में 10 मई को सुरक्षा कर्मी से मारपीट करके डकैती करने के मामले में 4 आरोपियों को ठाणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों के पास से चोरी किए हुए 3 लाख रुपए बरामद हुए हैं और साथ ही लूटपाट में इस्तेमाल किए गए हथियारों को जब्त किया गया है। वहीं कोर्ट ने आरोपियों को 27 मई तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है। फिलहाल पुलिस अन्य 3 आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ये वज्रेश्वरी देवस्थान है, यहाँ पे वज्रेश्वरी माता का मंदिर है। वहाँ पे एक दरोड़ा हुआ था, उसमें हमने गणेशपुरी पुलिस स्टेशन में 395 के तहत एक ऑफेंस रजिस्टर किया था और इसके तहत हमने ये मामला सेंसिटिव होने की वजह से मैंने मेरी पूरी टीम, डिस्ट्रिक्ट की पूरी टीम इस के पीछे लगाई थी। और इसमें हमने जो क्ल्यू मिला वो पहला क्ल्यू था, डम डाटा के ऊपर से हमें क्ल्यू मिला। डम डाटा के हर एक मोबाइल का हमने वहाँ पे लोकेशन देखा और उसमें डाउटफुल जो नंबर आए थे उसके तहत हमने एक ये किया कि जो आरोपी सामने आए थे उनके 2 आरोपी थे, इनके नाम पे सिम कार्ड था और जो 2 आरोपी के नाम पे सिम कार्ड था तो हमने ये पता लगा लिया कि इनके ऊपर ऑफेंस भी रजिस्टर्ड है। जो मेन 2 एक्यूज है, गोविंदा और रमेश, इनके ऊपर सिन्नर पुलिस स्टेशन में डकैती प्रिपरेशन ऑफ डकैती का ऑफेंस रजिस्टर्ड है और बाकी भी इनके ऊपर वाडा पुलिस स्टेशन के तहत HBT और थेफ्ट के ऑफेंसेस रजिस्टर्ड है। तो इसके तहत हमने अभी तक 5 एक्यूज को अरेस्ट कर लिया है।